लीजिए साहब, मैं हूँ इस वक्त भद्रकाली चौक पे, शक्तिपीठ माँ भद्रकाली का ये गेट है। ये सामने की ओर जो रास्ता जा रहा है वो वही है भद्रकाली भैया का मंदिर। मैं हूँ इस चौक पे, देवी कूप शक्तिपीठ कहा जाता है इसे, एक दो वीडियो में आप देख भी चुके हैं। और यहीं से अपन इस रास्ते पे चलेंगे स्थानेश्वर महादेव। महाभारत काल से पहले का भगवान शिव का पौराणिक मंदिर है, वहीं चलते हैं। और इधर से आप आते हैं तो ये जो जीटी रोड से आप आते हैं तो इसी रास्ते से आते हैं, ये भद्रकाली चौक कहलाता है। इधर को आप निकल जाते हैं भद्रकाली चौक माँ शक्तिपीठ माँ भद्रकाली की ओर, और इस तरफ जो है चले जाते हैं आप स्थानेश्वर महादेव, हर्ष का टीला और शेख चिली मकबरा। जो संग्रहालय है यहाँ पर भारत सरकार के अधीन, यही रास्ता उधर जाता है। ठीक है जी, तो चलिए सब चलते हैं। पहले भैया भद्रकाली को शीश नवाते हैं, फिर आपको लेके चलूँगा स्थानेश्वर महादेव की ओर। चलिए सब चलते हैं। वो सामने देखिए मैया भद्रकाली का मंदिर आपको दिख रहा है, यहाँ से शीश नवा के फिर निकलते हैं आगे की ओर। मंदिर का गेट आ गया और नवाते हैं शीश, फिर चलते हैं। सुबह के बज चुके हैं करीब करीब 11:15। लीजिए साहब, शक्तिपीठ आ गया मैया रानी का और नवाते हैं शीश। आइए सब चलते हैं, शीश नवाते हैं मैया के चरणों में, फिर आगे निकलेंगे, आपको भी कराते हैं दर्शन, है ना। काफी यात्रीगण भी आए हुए हैं आज, और चलो और भी जगह जाना है। कुरुक्षेत्र जो है आप निहार सकते हैं, भैया भद्रकाली शक्तिपीठ। और ये है जी हमारे यहाँ शक्तिपीठ माँ भद्रकाली शक्तिपीठ। मैंने आपको एक दो वीडियो में पहले दिखा चुका हूँ, अभी आज फिर सुबह सुबह मैं मतलब चलो आपको महारानी के दर्शन करवा के लाता हूँ। ये देखिए ये बाहरी अंदर भी चलते आइए। चलिए साहब ले चलता हूँ आपको अंदर महारानी के दर्शन करवाने के लिए। ये देखिए ये है जी मैया भद्रकाली शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र थानेसर, है ना। मैया विराजमान है सामने, तो यहाँ पर ये मन्नत मांगी जाती है मैया रानी को, घोड़े चढ़ाए जाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था आपको। ये देखिए यहाँ पर माँ का टखना गिरा था साहब, 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है ये, महारानी का टखना यहाँ पर गिरा था। ये देखिए ये है महारानी का टखना, ये शक्तिपीठ मैया रानी विराजमान। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ महारानी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, है ना।
52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है जी। ये देखिए यहाँ घोड़े चढ़ाए जाते हैं माँ के चरणों में, क्योंकि अर्जुन को जब यहाँ माँ के दर्शन करने आए भगवान कृष्ण के आदेशानुसार, उन्होंने भैया भद्रकाली का आशीर्वाद लेने आए तो उन्होंने मन्नत मांगी यहाँ कि हे माँ हमें आशीर्वाद दीजिए हम विजय को प्राप्त करें, तो मैं आपको अपनी सबसे प्रिय चीज़ यहाँ अर्पण करूँगा चढ़ाऊँगा। तो युद्ध के बाद अर्जुन के पास सिर्फ उसके सबसे प्रिय घोड़े ही बचे थे। युद्ध खत्म होने के बाद जब अर्जुन को यहाँ दोबारा मन्नत पूरी करने के लिए आना पड़ा, आए वो अर्जुन, क्योंकि मैया रानी भगवान कृष्ण की कुल देवी हैं, माँ भद्रकाली भगवान कृष्ण की कुल देवी हैं, तो उन्होंने जब आशीर्वाद दिया उनकी विजय हुई तो ये जो है यहाँ घोड़े चढ़ाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैया रानी के चरणों में घोड़े चढ़ाए जाते हैं, और जो दो घोड़े इकट्ठे बंधे हुए हैं, देखिए दो दो घोड़े इकट्ठे बंधे हुए हैं, वो मन्नत पूरी होने के बाद दो दो घोड़े चढ़ाए हैं। देखिए ये जो सिंगल घोड़े पड़े हैं ये मन्नत लगी हुई है, माँ से अरदास लगी हुई है, कुछ जो है ये घोड़े बंधे हुए हैं, देखिए दो दो, ये देखिए ये घोड़े बंधे हुए चढ़े हुए हैं, इसका मन्नत इनकी पूरी हो चुकी है, तो इसलिए माँ को ये बांध के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। ठीक है जी, ये है मैया रानी का शक्तिपीठ, देख सकते हैं आप महारानी विराजमान है, शक्ति स्वरूपा माँ भद्रकाली। ये देखिए साहब लीजिए साहब, पंडित जी सामने विराजमान है, और आज इनसे जी पंडित जी बताइए मैया रानी के इतिहास के बारे में बताए आप। ये सामने आप देख रहे हैं ये भद्रकाली है, इस स्थिति का दृष्टांत जो आता है देवी भागवत में आता है, भद्रकाली किस स्थिति पे आकर माता बनी पहले इसको समझना चाहिए कि वही जब काली रूप में पार्वती परिवर्तन हुई, उन्होंने जब वो विकराल रूप रखा जिसमें कि आप देख रहे हैं कि माता ने कितनों का संहार किया युद्ध में, उसके बाद उनकी स्थिति इस प्रकार उत्तेजित हो गई, तेज हो गई कि वह अपने शरीर की या फिर अपने उससे ना पूरे बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अस्थिर हो चुकी थी, और वो फिर प्रलय धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। जी ये स्थितियाँ देवताओं ने देखी और उनको लगा कि इसका क्या समाधान है। जी तो शंकर जी को ये पहले ही ज्ञान हो चुका था कि अब तो यही एक स्थिति बची है जिससे माता शांत देखते हैं और माता आगे पैर रख देती हैं। मूल रूप से तभी माता को स्थिति में आती कि हाँ मैंने किसी व्यक्ति के ऊपर पैर रखा है, और वो कोई ऐसा वैसा नहीं जो मतलब महाकाल जिनका नाम महाकाल भी कहा जाता है, शंकर जी के ऊपर रखा है, शंकर स्वयं में ही सिद्ध हैं। इस चीज़ को ज्ञात होते हुए माता फिर भद्र रूप में स्थित होती। भद्र का मतलब किसी अशांत रूप से स्थापित नहीं है, भद्र का अर्थ है कि वो शांत हो चुकी थी और आशीर्वाद मुद्रा में यहाँ स्थापित हैं। आप देख सकते हैं माता प्रसन्न चित, अगर आप चेहरे पे फोकस करते हैं ना तो प्रभु देखिए प्रसन्नता चलती है, आप चेहरे की तरफ देखेंगे ऐसे प्रसन्न हो एकदम, हाँ आनंद में मुखरा है, जो भी यहाँ भगत जगत आते देखते एकदम प्रसन्न चित आते हैं, प्रसन्न रहती हैं माता, और माता एकदम आशीर्वाद की मुद्रा में कि हाँ आपकी जो मनोकामना हो वो सिद्ध हो, इस रूप में यहाँ बैठी हुई है माता। आप आते हैं भक्त आते हैं माता से इस प्रकार जुड़ते हैं, उसके बाद माता जब स्थिर हो गई उसके बाद ये मूर्ति जो स्थिति है वो इस रूप से ही ली गई है। जी जी जी, और तब जितने भी देवता हैं उन्होंने स्तुति भी करी है, कई देवता उनका वर्णन आता है स्तुति करते हुए, माता को प्रसन्न किया, पूजा पाठ भी जिस प्रकार उस समय का जो उपचार था जो नियम था षोडशोपचार जो था नियम था जो भी कर्मकांड की जो भी विधियाँ थी उस प्रकार उन्होंने सिद्ध किया, माता को प्रसन्न किया, तब माता की
मूर्ति है वो सिद्ध हो चुकी है। उसके बाद वहाँ पे वर्णन आता है वामन पुराण में कि भगवान श्री कृष्ण के जो कुल वंशज थी ये भद्रकाली उनकी कुल देवी जी जी ये पार्वती वाली है जी जी हाँ हाँ ये भद्रकाली जो है ये कुल देवी है। एक भद्रकाली का वर्णन आता है शिव जी ने जो अपने अंश निकाल दिया था जो जाके हवन कुंड में सब कुछ तैर जी 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 और ये भद्रकाली है जो शिव के आने पर शांत हो जाते हैं। शिव के आने पर शांत शंकर के आने पर शिव तो वो तो शिवलिंग है शंकर के आने पर शंकर जी के आने पर शांत हो जाते हैं शांत हो जाते हैं। तो ये स्थिति में यहाँ पे ये कुल देवी श्री कृष्ण जी की है जी 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 बताया था हाँ और उसी कारण मान्यता उस समय आवाहन रूप में थी बाद में फिर हम लोगों ने साकार रूप माता का यहाँ पे व्याख्यान कर दिया कि जब लोग आए दर्शन करें क्योंकि अब भद्रकाली बोल रहा हूँ तो लोगों के दिमाग में ना उसकी स्वरूप नहीं बन पा रहा था जी। तो स्वरूप रूप की माता को यहाँ पे व्याख्यान कर दिया है आपकी जो भी मनोकामना है आप सच्चे भाव से माता से जुड़िए उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए जीवन को एक उत्तम गति को प्रति समर्पित कीजिए माता के चरणों में अपना आशीर्वाद प्राप्त करिए जी 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 यही सब प्रभु बाकी जय माता दी जय माता दी सच्चे दरबार की जय प्रभु बस जी 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 धन्यवाद पंडित जी जय माता दी। अभी नवरात्रि भी आ रहे हैं हाँ उस समय आप शायद बहुत बिल्कुल भेंट भी नहीं हो पाएगी लेकिन रश भी बहुत होगा और प्रभु हम तो मैया रानी के दर्शन करवाएंगे उस समय आप आइएगा तो आपको शायद बिल्कुल बिल्कुल ठीक है हाँ प्रभु जय माता जी। चलिए साहब हम यहाँ से मैया रानी का आशीर्वाद ले लिया और चलते हैं आगे की ओर।